हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं नाटेक चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं एडोब फोटोशॉप के विषय में। फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको फोटोशॉप के टूल के विषय में बताया था। आज हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ सुझाव पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमें बताया था कि ये फ़ोटोशॉप डेस्कटॉप पे होगा, एडोब फोटोशॉप। यहाँ से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप फ़ोटो यहाँ कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ फाइल ओपन, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ से भी आप ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ ओपन से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोटो हमने यहाँ रखा है, मान लीजिए कोई फ़ोटो ले लेते हैं, जिससे हमको इस फ़ोटो का एक फ़ोटो हमने ले लिया, खींचा हुआ फ़ोटो मान लीजिए। इसको हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। तो दोस्तों, क्रॉप, पहले इसको हमको क्रॉप करना होगा कि कहाँ से हम इसको, तो ये जो यहाँ से है इसके सामने आप जब एरो करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट के लिखता है, लिखा है ना सी, क्रॉप टूल सी, या सी कीपैड से आप सी भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, या फिर यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करके हट लीजिए। दोस्तों, आप इसको यहाँ से जहाँ से भी कट करना चाहते हैं वहाँ से कट कर सकते हैं। अब जितनी साइज लेना चाहते हैं उतनी साइज ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ से आप इसकी साइज ले सकते हैं, जो भी साइज, वैसे पासपोर्ट साइज 350 और नीचे 400 या 408 10 तक हो सकता है। यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये साइज आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कलर यहाँ से उठा सकते हैं। ये जो है नीचे वाला कलर बैकग्राउंड है, आप यहाँ से जो भी कलर लेंगे यहाँ से ओके क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डिलीट प्रेस कर दीजिए, देखिए कलर चेंज हो गया। वो जो एरिया नहीं हुआ उसको ये सिलेक्ट करके इसे इसको इंटर प्रेस कर दीजिए, मिल जाएगा। इसको डिलीट प्रेस कर दीजिए, हो गया दोस्तों। इसके बाद ये जो आ रहा है कर्सर का, इसको आप डब्लू प्रेस करके या यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसको कैसे सेट करना है, इसको पहले सेव कर लीजिए। फाइल सेव एस, सेव एस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप JPG फोटो JPG ही में सेव करें तो सारे जितने भी अब उसमें कार किए रहेंगे सब एक साथ सेव हो जाएगा। हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, यहाँ से सेव कर दीजिए, ओके। यहाँ से क्लोज करके फिर ओपन करिए, देखिए दोस्तों वीडियो बन गई। अब इसको हम 4:6 पेपर, जो भी साइज आपका प्रिंटर हो, कंट्रोल प्लस एन से शॉर्टकट, या फिर न्यू से कंट्रोल प्लस एन, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टकट के, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं पेज। आप वहाँ से पेज ओपन करेंगे
यहाँ से साइज ले लेंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस सी एन से पेज लेते हैं, यहाँ से साइज ले लीजिए, आप किस साइज़ का पेपर लेते हैं, 4623578-10, तो 4:6 का पेपर आप ले लीजिए। ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका लिखा है वाइड 4, हाइट 6, रेजुलेशन 300। ओके पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपका ये हो गया पेपर। अब फोटो को इस पर कैसे ले जाना है, फोटो को लेफ्ट प्रेस करके प्रेस किए रहिए और इस पर खींच दीजिए, फोटो को ये आ जाएगा इस पर। दोस्तों आप इसको एक साइज से रख दीजिए इसे, और ए एल्ट जो कीपैड में कीबोर्ड में आल्ट रहता है, ALT, उसको उस बटन को प्रेस करके और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको खींचिए इधर, फिर माउस बटन छोड़ दीजिए, फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको इधर खींचिए। जितनी बार आप ऑल्ट बटन के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको जितनी फ़ोटो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इसको प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से सिलेक्ट टू फिट मीडिया कर लीजिए। आप यहां से प्रिंट करके जो भी आपका प्रिंटर हो जिससे आप फोटो प्रिंट करें उस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ कॉपी है तो एक कॉपी निकालना है तो एक नंबर, दो कॉपी निकालना है तो यहाँ से आप ऐसे कर सेलेक्ट करके दो लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ से मेन है, मेंटेनेंस है, यहाँ से आप प्रिंटर का इंक उंक जैसे फ्रेश नहीं आता है, जाम हो जाता है तो आप यहाँ से नोजल चेक कर सकते हैं। ये हेड क्लीनिंग है, अगर आप फोटो में क्वालिटी नहीं आ रहा तो आप यहाँ से नोजल चेक करके हेड क्लीनिंग कर दीजिए और आधे घंटे तक प्रिंटर को छोड़ दीजिए चालू, फिर फोटो प्रिंट कीजिए, फोटो में क्वालिटी अच्छी आएगी। तो दोस्तों इसके बाद प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अस्थाई शांत भाव से देखें। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, जिससे आपके साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हमें हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। हमारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।